Berlin, 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 Berlin. जिगर फटता है मिसल तावीज़ मुझे सीने लगाओ बाबा आवाज़ दो बाबा आवाज़ दो बाबा रन में क्या साहिबे औलाद नहीं है कोई मैंने बेजुर्म तमा चौकी सजा क्यों पाई ऐसे देता है कोई अजीरे रिसाला कसरा बतलाए चचा आके पता बाबा का आवाज़ दो बाबा आवाज़ दो बाबा करबला न पढ़ने की चीज है सुनने की चीज है करबला एहसास गवाते हैं अगर एहसास हो जाए तो अश्क रुकते नहीं किसी ने चौथे इमाम से पूछा मौला अगर आपके जैसे मजलूम की याद में आंखें भीग जाएं आंसुओं से चौथे इमाम ने कहा कि वो आंसू सालेहीन का है कहा मौला अगर रुखसार पे आ जाए तो कहा वो पैगंबरों का है कहा अगर रेशे मुबारक से टपकने लगे तो कहा वहां माहिमा का है कहा मौला जिनके रिया में आवाज बुलंद हो जाए तो कहा वो मेरी चत्ता फातिमा का एक एहसास में आपके सामने बयान करूं चाहे जैसे सुन ले आप जी भर के मुस्तफा को सताने के वास्ते जी भर के मुस्तफा को सताने के वास्ते उम्मत को एक सकीना मिली फातिमा के बाद पता है अगर ये एहसास आपको हो गया तो आप घरों तक रोते बन जाएंगे और जब यह एहसास होगा जब आपकी आंख भीग जाएगी शाम कूफा के सफर में एक मरतबा 4 साल यतीमा अपने भाई के पास आई कहा भैया सज्जाद शिव से कह दे कि जितने तमाशे मारना है मार ले जितने ताजियाने मारना है मार ले जितनी घुड़कियां देना है दे ले लेकिन मुझे ताना ना दे कहा भाई सकीना तुझ पे कुर्बान शिव क्या कहता है कह तू रशी भी तमाशे मार के कहता है गुलाब से जजा पास या मजलूमा
قیامت کی شہادت دے دیجیے. ابھی آپ نے مولانا سے سنا کہ شہادت ہو گئی. شہادت کے بعد غزالہ کو بلایا گیا. غزالہ نے آ کے ننی سی میت کو دیکھا. میت کو دیکھنے کے بعد جا کر بی بی زینب سے پوچھتی, بی بی ایک بات پوچھو. کہاں پوچھو, کہیں بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کبھی بھی ایسا کیوں کہہ رہے ہو, بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی. کہتی کہ جب میں اس کا کرتا اس کے جسم سے الگ کرنا چاہتی ہوں تو اس کے جسم کی کھال کرتے کے ساتھ اڑ جاتی. کبھی بھی ایسا نہ کر, کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, اس بیوی نے اتنے تازیانے کھائے ہیں کہ کرتا زخموں سے فیمس ہو گئی. وہ
हवास थी, वो हवास कट गए, फौजे हुसैन खून के दरियाओं में खो गई, फौजे हुसैन खून के शिमरे पद गोहर भी गोहर छीन गया। हाँ दादा, रुक करबला के मैदान में शाम हो गई है। हाँ शिमरे पद गोहर भी गोहर छीन गया, अरे पुरसे के बदले दाग समाचो बाबा
पे जिसका कमीरा ने तीन तमाचे जरा सकीना को लगाए, ये चार साल की बच्ची का सिन देखिए, शिव जैसे कमीने की ताकत देखिए। जब जनाबे सकीना को पहला तमाचा लगा, बताते हैं बच्ची बहुत दूर जाके गिरी। रुखसारों का रंग सुर्ख हो गया। हाय वो बच्ची जिसके रुखसारों पे सिर्फ प्यार किया जाता है। लेकिन तीसरे तमाचे पे रंग नहीं बदला, अब रुखसारे फट गए। दरबार शाम कूफा में जाना पड़ा उसे, दरबार शाम कूफा में जाना पड़ा उसे। अरे सरवर की लाडली हूँ बताना जहन में मफहूम तक न था, जिंदान किसको कहते हैं मालूम तक न था। उड़ते हुए परिंदों को देखा तो ये कहा मेरा भी एक घर था, मदीने में क्या करना शुरू किया।
उसने वजू किया, चौथे इमाम ने खून रोना शुरू किया। जब वजू खत्म हो गया तो काबली कहता है मौला मुझसे कोई खता हो गई जो आप गिरिया कर रहे हैं। मौला सैयद सज्जाद फरमाते हैं काबली जितना पानी तूने अपने वजू में इस्तेमाल किया हमारी बहन ने करबला से शाम तक इतना पानी नहीं पिया। उसने कहा मौला आप कह रहे हैं आप सारे के आले मोहम्मद है, मौला मैंने यकीन मान लिया, लेकिन मौला ये कैसे मुमकिन है कि एक बच्ची करबला से शाम तक इतना पानी भी ना पिए जितना वजू में इस्तेमाल होता है। मौला चौथे इमाम रोने लगे कहते तूने सवाल क्या है तो अब सुन, पानी बांटने की जिम्मेदारी थी शिम्र की और हमारी बहन शिम्र से इतना घबराती थी कि जब शिम्र पानी बांटने आता तो हमारी बहन एक बीवी से दूसरी बीवी के पीछे छुपती रहती, यहाँ तक कि शिम्र पानी लेके चला जाता। अगर कोई बीवी अपने चुल्लू में थोड़ा सा पानी बचा लेती तो सकीना के होश पर हो जाते वरना सकीना प्यासी ही रहती। चौक के उठती थी बारहा हर दाम सितम शार का चेहरा नजर में था, अरे मौत आ गई तो शिमर का डर खत्म हो गया। शिमर का डर खत्म हो गया, नन्ही मुसाफिरा का सफर खत्म हो गया। अरे जिंदा में सो गई जो गमों से निगाल दी, जिसके सुकून की उम्र फकत चार साल थी, जिसके सुकून की उम्र फकत चार साल थी। अरे जिंदान गम फसील हजी का वतन बना, हसी का वतन बना, कुर्ता जो तन से चिपका हुआ था कफन बना, कुर्ता जो तन से चिपका हुआ था कफन बना। प्यार करने वाले करबला में सो गए।
जब से बिछड़ी हो मुझे चैन नहीं है अब तक, जब से बिछड़ी हो मुझे चैन नहीं है अब तक, और ये भी मालूम नहीं दूर रहूंगी कब तक, ये भी मालूम नहीं दूर रहूंगी कब तक, अरे खुद नहीं आता तो मुझको ही बुला लो बाबा, मुझको इस शहर से बचा।